ईरान में रॉकेट के जरिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया और कोई इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनको पांव तले रौंदा गया। 40,000 से जायद फलस्तीनी बशमोल हजारों बच्चों के शहीद किए जा चुके हैं। हर रोज आप टेलीविजन पर ऐसे दिलखराश मनाजर देखते हैं जो तारीख में इस तरह के वाकयात शायद ही कभी किसी ने देखे हों। पाकिस्तान के इस्माइल हानिया की शहादत पर आज यौम सोग मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद करके आलमी कानून को तोड़ा गया। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। इस्माइल हानिया की शहादत का वाकया आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज। इस्राइली फौज ने 40,000 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ऐसी दरिंदगी और सफाकियत पहले कभी नहीं देखी। फलस्तीन में शहरों के शहर मलिया मेट कर दिए गए। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल। मेयो अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी जमा रहा। ताजपुरा टाउनशिप चुरंगी अमरसदों के घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान तबाह। जौहर टाउन में मेन रोड पर गढ़ा पड़ गया। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दर्जनों फीडर्स पर बिजली की सप्लाई बहाल न हो सकी। के अंदर जो है वो इस पानी को क्लियर किया गया है। अफसोस की बात ये है कि ये वो लोग इसके ऊपर सोशल मीडिया, आपको पता है उसका एक तरीकाकार, एक तुर्रा इम्तियाज है कि उन्होंने हर चीज के ऊपर एक तो प्रोपेगेंडा सेल चलाना होता है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी का लाहौर के तमाम इलाकों से पानी की निकासी का दावा। कहा, 7 घंटे होने वाली बारिश का पानी 2 घंटों में निकाल दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज बारिशों के बाद की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। इनके पास तनकीद के लिए कुछ नहीं, पुरानी वीडियोज वायरल कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का चीफ सेक्रेटरी के हमराह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MD वासा की बारिशी पानी की निकासी पर ब्रीफिंग। गुजरावाला, गुजरात, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जम कर बरसे। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाली 20 साला लड़की की लाश मिल गई। डस्का में 16 साला लड़का बरसाती नाले में डूब गया। लैया में करंट लगने के वाकयात में 3 बच्चे जान बहक। वजीराबाद, शकरगढ़, करतारपुर और मजफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश। गोजर खान राबता सड़कें टूट गईं, ट्रैफिक बंद। मरी में मानसून बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची में सावन की घटाएं बरस पड़ी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। गुलशन मेमार अब्दुल्ला गोट के बरसाती नाले में गिरने वाले 10 साल बच्चे की लाश निकाल ली गई। कराची के कई इलाकों में भी बिजली बंद। कुरंगी, लांढी, शाह फैसल और मलीर शामिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, बेशतर मकामात पर एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली की सप्लाई बंद की गई। बारिश और लोड शेडिंग से APTCL और मोबाइल सर्विस जज्वी तौर पर मौतल रही। कस्पेला में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 3 रोज में 24 अफराद जान बहक, 17 जख्मी हुए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नौशहरा में बरसाती नाले में नहाते 2 बच्चे डूब गए। एबटाबाद में 1 बच्ची बरसाती नाले में बह गई। चित्राल के गांव गुलेन में ग्लेशियर फटने से 16 घर तबाह। मुजफ्फराबाद, भिम्बर, नीलम में मूसलाधार बारिश। मीरपुर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों ने नारान कागान में तबाही मचा दी। सड़कें बुरी तरह मुतासर, मनोर नाला बिफर गया। महांडरी बाजार की दर्जनों दुकानें बरसाती रैले की नजर। आरजी पुल भी बह गया। जमीनी रबता मुनकता होने से अशियाए खुरनोश की किल्लत। सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए मुफ्त वीजे का ऐलान। चीनी वफद से मुलाकात के बाद कहा, मुश्तरका मंसूबों के जरिए चीनी सनअत की पाकिस्तान मुंतकली फायदा मंद साबित होगी। चीनी वफद के दौरे से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। वशाम वाकई में गिरफ्तार मुलजिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी।
5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे आपने अपनी लीडर के खातिर वहाँ पे दुनिया को साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है। तहरीक इंसाफ का 15 रोज में ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा पावर शो होगा। हमारे लोगों पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। असद कैसर ने कहा तमाम जमातों से राबते और मुशावरत होगी, मौजूदा रिजीम की मुखालिफ तमाम सियासी कुवतों को साथ मिलाएंगे। मगरबी ममालिक इसराइल की जानिब से कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए। कयाम पाकिस्तान ज़रूर हुआ है, लेकिन जिन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था और उसमें एक नारा लगाया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, वो आज तक अचीव नहीं हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान का क़याम ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी तकमील का अमल अभी बाकी है और वो तकमील उस दिन होगी जिस दिन पाकिस्तान अपना निज़ाम मईशत अपना निज़ाम मआशत अपनी सियासत और सारे जो पाकिस्तान के कवानीन हैं वो कलमे की बुनियाद पे रेज़ करेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कई कवानीन ऐसे हैं जो अगेंस्ट इस्लामिक लॉ हैं, मतलब या तो आप जमहूरियत पे चल रहे हैं जिस तरह से उसकी डेफिनेशन है, या जिस पे आप चल रहे हैं वो जमहूरियत नहीं है। तो पाकिस्तान में जो कुछ भी प्रैक्टिस हो रहा है वो जमहूरियत नहीं है। मैंडेट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। जब आप अल्लाह पाक का निज़ाम नाफिज करेंगे तो हर कोई अपना अपना एहतसाब भी करेगा और लोग भी एक दूसरे के ऊपर अल्लाह की शरीयत को क्राइटेरिया बनाते हुए गुफ्तगू भी करेंगे और करेक्शन का मौका भी दिया जाए। खिलाफत के नफाज के लिए सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करना पड़ेगी। पाकिस्तान में जो कुछ प्रैक्टिस हो रहा है वो जमहूरियत नहीं। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नजीर की प्रोग्राम सवालनामा अतर काजमी के साथ में गुफ्तगू, कहा हमारे मुल्क में कई कवानीन इस्लामी कानून के बरक्स हैं, अल्लाह पाक के बनाए कवानीन में तब्दीली की गुंजाइश नहीं। कौम को नज्म व ज़ब्त के तहत अल्लाह पाक के निज़ाम पर चलना होगा। जब आप अल्लाह पाक का निज़ाम नाफिज करेंगे तो हर कोई अपना एहतसाब करेगा। तकमील पाकिस्तान तब होगी जब पाकिस्तान निज़ाम मईशत सियासत और कवानीन का नफाज कलमे की बुनियाद पर करेगा। चंद दिन इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है, देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं। अगर इन्होंने फैसला नहीं किया, बिजली के बिल कम नहीं किए, आईपीपीस को लगाम नहीं दी, तो फिर एक नए रंग में ये तहरीक आएगी। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना, 8वें रोज में दाखिल। 3 अगस्त को गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारा धरना सियासी जमातों के लिए इम्तिहान, हिमायत नहीं करेंगी तो अवाम उनसे सवाल करेंगे, हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो मुल्क जाम कर देंगे। कारकुन बड़े मार्च के लिए तैयार रहें, जमात इस्लामी मुजाकरात के लिए अब हुकूमत के साथ कोई रबता नहीं करेगी। आज कराची की मसाजिद में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाए।